मैं हूँ मीरा देवस्थले और आप लोग मुझे देख रहे हैं जूम पर. जूम एक्चुअली आज आया है मेरे मेकअप रूम में और यहाँ पे है मेरा लंच बास्केट. आज देखेंगे कि मेरे लंच बास्केट में क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गर्मियों की शुरुआत होगी एक्चुअली सेट पे होता है पानी, बट वो बहुत छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं रहता कि फिर मैंने कितना पानी पिया है. तो देन आई हैव दिस 1.6 लीटर वाटर, तो काइंड ऑफ आइडिया रहता है कि क्या क्या पिया है आज के दिन में, कितना पानी पिया है. ओके लेट्स सी माय बास्केट. ओके मेरे हर जगह मिंट्स मिलेंगे आपको क्योंकि मुझे मिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. छास इसमें मेरी कोल्ड लाइक ब्लैक कॉफ़ी होती है बट ठंडी, क्योंकि अब इतनी गर्मी है कि यू कैन नॉट हैव एनीथिंग हॉट. तो ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी है. माय बोल एंड माय फोक एंड ऑल टू ईट. इसमें केचप है. आज मैंने राजमा चावल बनाए तो राजमा और ये चावल. अभी लंच होगा तो हम खाएंगे. ये मूंग दाल है जस्ट टू यू नो मंच इन द बिटवीन. प्रोटीन बार है बिकॉज they're nice and chocolatey and protein. Then there's English tea and green tea aur ye sab ke sachet hai mere paas. There's a cup of noodles kyunki just in case khana na ho to kuch kha sako. Ye mujhe fans ne gift kiya tha and I really love this cup, so I sometimes like to have some smoothie or something in this. Sauf hai. Sauf. Then there are some chocolates. माय ब्रदर गॉट दीज फॉर मी. एक्चुअली काफ़ी सारी हैं बट आई थॉट कि यू नो कभी कुछ मीठा हो जाए टाइप्स. मोर मिंट. देयर इज ग्रेनोला क्योंकि ग्रीक योगर्ट वगैरह मैं रखती हूँ कभी यू नो ब्रेकफास्ट में कुछ खाना है तो लाइक दैट. देन देयर इज ये चॉकलेट डेट्स हैं, मतलब डेट्स होते हैं जो चॉकलेट से कवर्ड है एंड आई लव चॉकलेट्स. So yes, then there's kakdi. Yeah, and then there's my sham ka nashta, that's omelette and roti ek saath. Ye meri mom banaya karti thi and I really love the combination. So that's that. Itna hi hai mere basket mein. इतना ही नहीं, इतना बहुत कुछ है जान रहा है. इतना मतलब सारी चीजें कैसे पूरा प्लान होता है, डेली प्लान कैसे होता है और आपको पसंद चुकी सेटअप सब साथ में मिलके खाते हैं तो उनके लिए भी आता है सब कुछ. हाँ तो ये उस हिसाब से आया है कि यू नो छास है, काकड़ी है, चावल, राजमा. यूजुअली आई गेट बिगर डब्बास पर आज मुझे लगा कि मेरा कॉल टाइम लेट था तो सबने खा लिया होगा ऐसा कुछ होगा इसलिए मैंने नहीं लाया ज़्यादा. एंड आई मेक श्योर कि शाम को खाने के लिए कुछ हो क्योंकि वो टाइम होता है जब सेट पे सबसे इंटरेस्टिंग नाश्ता आता है. लाइक देयर इज ऑलवेज लाइक नूडल्स और पास्ता और समोसे, वड़ा पाव, ये सब आ रहा होता है और तब भूख हो और अगर ना हो आपके पास कुछ खाने के लिए तो फिर यू नो तो दैट. फिर ये मूंग दाल है वो पंखुड़ी को बहुत पसंद है तो यू नो आई जस्ट स्टॉप्ड इट कि कभी यू नो वी सिटिंग एंड चैटिंग एंड खाना है तो खा सकते हैं टाइप. सो क्या होता है कि काम करते समय अपने खाने का लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ये कितना आपके लिए मतलब है ना, क्योंकि खाना भी अच्छा खाना है और हेल्दी खाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. ये कोशिश है मेरी बिकॉज मतलब और जेन्युइनली बता रही हूँ अभी तो लेट कॉल टाइम्स है तो यू नो आई एम कुकिंग एंड स्टफ फ्रेश फ्रेश बना के लाती हूँ बट my meals are supposed to be घर का खाना ही. प्लस हमारा अभी तो वी आर टेम्पररली शूटिंग हियर, इट्स क्लोज टू माई हाउस बट मेन सेट है वो नायगांव में है और वहाँ पे जोमैटो नहीं आता, वहाँ कुछ नहीं आता सिवाय भजन लाल के. तो रोज़ तो आप डेरी का खाना खा नहीं सकते तो या सो आई मेक माई ओन मील्स एंड आई टेक माई मील्स. थैंक यू.